Hey everyone, welcome back to new video. New videos पर आगे बढ़ने से कुछ information आप लोगों को share करना चाहता हूँ कि मैं 4 state में counseling करवा रहा हूँ, तो उसमें है यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल. उसमें यूपी बिहार के जितने भी private college एंड मेरिटरी college के सारे के मैं counseling करूँ. उसमें आपको internal details वगैरह मिलेगा और agent fee क्या है, charges है क्या, management, ये सारी information मेरे paid counseling के थ्रू आपको सारे details मिल जाएगा. अगर interested हो तो Instagram पे Google form fill करके DM करना कि मुझे paid counseling लेना है. paid counseling बहुत स्मॉल अमाउंट फी लगेगा और जो नॉन रिफंडेबल फी होगा तो सोच समझ के ना फी पेमेंट करना. एंड उसके सारे डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में होगा, तो वहाँ जाकर देख लेना. तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले जो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था. तो जो आज का मेन टॉपिक में हम लोग आते हैं, तो जो नीम्स है वो इसको हम नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोलते हैं. बच्चे को बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. बिकॉज ऑफ क्यों है डिमांडिंग, तो आपको ही पता, क्योंकि वो नोएडा के नज़दीक है, NCR रीजन में बिलोंग करता है, तो बच्चे ज़्यादा इसको प्रीफर करते हैं. इसलिए नए कॉलेज बावजूद उसका जो है कट ऑफ हाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज. तो इसका कट ऑफ जो है पिछले साल जो है 23 बैच के लिए फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो ध्यान से सुनना, वो 361 था. एंड सेकेंड राउंड में जाके 482 हो गया था. थर्ड राउंड में जाके मॉप अप या थर्ड राउंड में जाके 568 आया. इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज चूज करना और अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे, या चाहे मेरे से करवाओ या किसी और से करवाओ, बट अच्छे से जो काउंसलिंग प्रेफरेंसेस नहीं बनाई देता तो बंदे को अच्छे नंबर आने के बाद भी बेकार कॉलेज में. कुछ बच्चे जो अच्छे जैसे मेरे जैसे काउंसलर के साथ वो गाइड करवाता है या करवाती है, वो अच्छे कम मार्क्स में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं. तो इसका जो है नीम्स है, इसका जो इस्टेब्लिश ईयर था वो 2020 था. और इसका जो है सीट्स है जो 150 के, वो परमिटेड सीट्स है. वो परमिटेड नॉन परमिटेड मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज क्या होता है, ये सारी चीज़ के लिए अलग टॉपिक है, उसे बताएंगे. हाईवे के पास है ये कॉलेज. और इसका जो है फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी है वो है 11,92,211 rupees, जो इसका वो टोटल फर्स्ट ईयर फी आपको देना हुआ. उसमें क्या क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर का फी, मिसलेनियस फी, नॉन ए सी हॉस्टल का चार्ज और सिक्योरिटी मिला के जो है आपको पूरा टोटल देना है फर्स्ट ईयर में 70,27,811 rupees डालना है. उसमें आपको ये सारी चीज़ें रहेगा, हॉस्टल, नॉन ए सी, सिक्योरिटी, मनी, मिसलेनियस फी और ट्यूशन फी. और टोटल जो बजट है इस कॉलेज का वो है अराउंड 64,25,050 4.5 years. तो एक साल की इंटर्नशिप होती है. देखो हर साल कॉलेज की फ़ी इंक्रीमेंट होती है, बट 22 के बाद फ़ी इंक्रीमेंट नहीं हो, मे बी इस इंक्रीज हो जाए. अगर तुम लोगों की किस्मत अच्छा होगा नहीं बढ़ेगा, और अगर ख़राब होगी तो बढ़ जाएगी. और इसका एप्लीकेशन है जो है खुद का यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है. एंड इसका जो है टोटल सीट इंटेक है वो 150 है. एंड इसमें टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल ग्राउंड हो गया आपको, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें. इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है और कैंपस भी ठीक ठाक अच्छा है, इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं. एंड इसका जो है आपको जो आउटिंग टाइम फॉर मेल के लिए वो है 9 to 10 PM, एंड फीमेल के लिए है वो है सिर्फ वार्डन से परमिशन लेना पड़ता है. वार्डन से परमिशन लेने के बाद ही तुम जा सकते हो गर्ल्स के लिए. और इसका जो पेशेंट लोड है वो तुमको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि कितना है, बट तुमको मतलब बहुत लो है. आपको डाटा जो है ये सारी चीज़ें इंटरनल डिटेल्स में मिल जाएगी. अगर आप चाहते हो काउंसलिंग करवाना तो प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल करना, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है. इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो करने के बाद भी DM करोगे तभी जाके, बहुत सारे बच्चे बिना फॉलो करके DM करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता है. एंड इसका जो है जो कपड़ा का है वो 10 रुपये पर कपड़ा है, वॉशिंग मशीन है. एंड इसमें जो है तुमको जो है इसका बेड, कितना बेड है, ये सारे डिटेल्स तुमको इंटरनेट डिटेल्स में, कितने बेड का कॉलेज है, ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी. और इसमें तुमको एक और चीज़ बताते हैं कि इसमें सिर्फ AC रूम्स ही अवेलेबल है, नॉन AC रूम्स नहीं अवेलेबल है. और इसमें AC में भी बिल है और बहुत सारे हिडन चार्जेस सारे कॉलेज है UP के, चाहे वो या इंडिया के किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सारी जगह जो है आपको हिडन फी रहता है. इसीलिए आपको सारे कॉलेज का जानना इन्फॉर्मेशन जरूरी है, वरना गलत कॉलेज में पहुँच जाओगे, गलत जब पैसे लग जाएंगे गलत जगह तो रिग्रेट करोगे. एंड सर कितना कैडेवर फैकल्टी, ये शॉर्टेज सारे चीज़ तुमको मिल जाएगा इंटरनेट के लिए. तुम मुझे DM कर सकते हो फॉलो करने के बाद, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है गूगल फॉर्म उसको फिल कर देना.